हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों, आपने काफ़ी प्यार दिखाया हमारी पिछली वीडियोस में, तो उसके लिए दिल से शुक्रिया। तो आज हम जाएंगे और ब्लॉग बनाएंगे एक बढ़िया सी जगह का, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखते रहना और इस वीडियो में एंड तक बने रहना। तो चलिए इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यह है मेरा दोस्त ऋषि और आज हम आपको एक ऐसा रेलवे ट्रैक दिखाने आए हैं कि मतलब जब भी ट्रेन यहाँ से गुजरती है ना, तो एकदम आसपास का माहौल दहल जाता है। तो यह है वो रेलवे ट्रैक। तो दोस्तों, यह है वो रेलवे ट्रैक आपके सामने, आप देख ही सकते हो। तो यहाँ नीचे से रोड जा रही है और ये सामने ऊपर रेलवे ट्रैक है। तो यहाँ पर जब भी रेल आती है तो जो लोग होते हैं ना, वो मतलब गुजरते नहीं हैं, वो सब पीछे ही खड़े हो जाते हैं, क्योंकि रेल की आवाज़ ही इतनी तगड़ी रहती है भाई, डर लगने लगता है और कोई नीचे से जाना पसंद नहीं करता। तो अभी कुछ देर में आप एक ट्रेन आने वाली है, तो मैं वो भी आपको अभी इस वीडियो में दिखाऊंगा। और जब भी आप इस पुल से गुजरते हो ना, तो ये जो आपने सामने खम्बा देख रहे हो, ये काला या वाइट सा, काला और वाइट सा, तो जब भी बाइक से यहाँ पर गुजरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सिर पर लगने वाला हो। तो यहाँ पर बाइक वगैरह अपनी धीरे कर लेते हैं सब। तो देखो, मैं आपको ट्रेन दिखाने वाला था और एकदम ट्रेन आ भी गई यहाँ पर। ये मालगाड़ी है और इस टाइम पूरा ये पुल हिलने लग गया यहाँ से। तो अभी हम ट्रेन के नीचे जा रहे हैं एकदम। आप ये देख सकते हो, आप मेरे जस्ट ऊपर से इस टाइम ट्रेन जा रही है। यहाँ काफ़ी शोर और आ रहा है यहाँ पे इस ट्रेन का, काफ़ी डर सा लग रहा है इसके नीचे जाने में भाई। मैं तो जा नहीं रहा, इसलिए आपको दूर दूर से दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, एक किस्मत की बात थी, मैं आपको अभी कह रहा था कि ट्रेन दिखाऊंगा आपको और एकदम ही ट्रेन आ गई। तो काफ़ी मतलब मज़ा आया, सामने से ट्रेन जा रही थी और काफ़ी शोर हो रहा था उस ट्रेन का, डर भी लग रहा था उसके पास जाने में, तो इसलिए मैं तो दूर से ही आपको दिखाया हूँ। क्योंकि जो पूरा ये आपका जो प्लेटफॉर्म जैसा है, मतलब सॉरी प्लेटफॉर्म नहीं, पुल जो है, ये पूरा खड़खड़ाने लग जाता है एकदम, आवाज़ भी बहुत ज़्यादा आती है और शोर वगैरह। तो अब हम आगे जाएँगे और आपको दिखाएँगे रबजा रुड़की का। जो रुड़की में रहते हैं उनमें से काफ़ी लोग जानते भी होंगे रबजा के बारे में, तो वही इस वीडियो में हम आपको आगे जाके दिखाने वाले हैं। तो इस वीडियो में बने रहना हमारे साथ। तो दोस्तों, ये है वो रबजा है जहाँ पे बच्चे नहाने आते हैं आसपास के गांव वगैरह के। तो अभी तो ये बंद पड़ा है क्योंकि जो पानी है गंगा नहर का, उन्होंने बंद कर रखा है। तो यहाँ पर नहाने आते हैं ऐसे। यहाँ पर रुड़की में तीन है, एक तो ये है और बाकी दो आगे हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। तो चलते हैं अभी आगे और उनके बारे में भी आपको एक चीज़ बताऊंगा जो काफ़ी मतलब डिस्टर्बिंग टाइप की है। तो चलते हैं अभी, देखते हैं उन्हें भी। तो एक रबजा है तो इनमें से ये है, ये काफ़ी छोटा है मतलब, तो यहाँ पे भी बच्चे नहाते हैं। और एक इसके साइड में है, तो एक बार यहाँ पे मेरा दोस्त बता रहा था, वो यहाँ पे आया होगा, तो उसके सामने से लाश बह के जा रही थी एक, वो सामने वाले रबजा से। तो मतलब यहाँ पे ऐसा रहता है कि जो डूब जाते हैं गंगा नदी में, तो वो इधर से ही गुजरते हैं आगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो यहाँ जो ये नीला साहब देख रहे हो, तो यहाँ पर आके फंस जाते हैं वो। तो अभी आपको पास से दिखाता हूँ मैं, तो आप अपने सामने देख सकते हो यहाँ मैं इस टाइम यहाँ पे आ रखा हूँ। तो यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि जो लाश वगैरह आती है यहाँ से सामने से नदी से, तो यहाँ के फंस जाती है और यहाँ पे घूमने लगती है वो। तो इस रबजा को 9 फीट रबजा भी कहते हैं, 9 फीट का है इसलिए। और आगे जाके एक रस्सी सी लटक रही है वहाँ पे, तो बच्चे यहाँ से डाइव मारते हैं, यहाँ ऊपर से डाइव। तो यहाँ से जब वो कूदते हैं तो आगे जाके वहाँ कोने में एक रस्सी सी लटक रही है, तो उसे पकड़ लेते हैं वो
और काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि यहाँ पे बच्चे डूब जाते हैं। मेरा एक दोस्त था स्कूल में, तो बचपन में जब वो यहाँ पे आते थे मतलब 8th या 9th क्लास में, तो तब उसका एक दोस्त यहाँ पे डूब के मर गया था। तो दोस्तों तीन डब जाए तो हमने आपको दिखा दिए, एक वहाँ पे जो सबसे पहले और बाकी ये दो, एक 5 फीट का था एक 9 फीट का। अब हम आपको 10 फीट का रबजाए दिखाएंगे जो कि ये है। तो आप जो अपने सामने देख रहे हो ये 10 फीट वाला रबजाए है, तो यहाँ पे भी बच्चे आते हैं और स्विमिंग करने के लिए। तो इस टाइम यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी काफ़ी कम है, शायद नदी की सफाई हो रही है इसलिए। और ये जो सामने आप ये आप देख रहे हो इतना बड़ा सा, ये पानी कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है रबजाए का, कि यहाँ पे जो पानी है वो कितने फ्लो में बहेगा, ज़्यादा बहेगा कम बहेगा, वो इसे कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। तो अभी तो यहाँ पे काफ़ी गंदा हो रखा है, यहाँ पे देख ही सकते हो आप मिट्टी वगैरह और ये रेता, पर ये नदी काफ़ी भर के चलती है। और यहाँ पे जो ये आप मीटर सा देख रहे हो 8-9 के करीब पहुँच जाती है मतलब मैक्सिमम बारिश के टाइम पर। तो दोस्तों ये था हमारा आज का व्लॉग, आपको कैसा लगा? हम यहाँ पे घूमने आए थे तो हमने सोचा कि आपको दिखा दें हमारे व्लॉग में क्या क्या था। और ये मैं हूँ और ये मेरा दोस्त है जो मेरे साथ आया था, ऋषि। अगर आपको व्लॉग पसंद आएगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारा ऐसे प्यार बनाते रहिए, प्यार बनाते रहिए। और जैसे आप हमें प्यार दिखा रहे हो अपनी हमारी पुरानी वीडियोज़ में, ऐसे आगे भी दिखाते रहना। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ।